मैं हूं ज़ियाउल हसन और मैं पिछले 3 सालों से लगातार ड्रोन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा हूं एंड अब तक मैंने 150 प्लस ड्रोन्स को बिल्ड किया है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपना खुद का एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन कैसे बिल्ड कर सकते हो। इस ड्रोन को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ड्रोन में कौन कौन सा पार्ट्स यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा यूज होगा, कनेक्शन कैसे होगा, साथ ही इस ड्रोन को प्रोग्रामिंग एंड सेटअप कैसे करेंगे और इसे फ्लाई कैसे करना है, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप इस सिंगल वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो आप अपना खुद का ड्रोन खुद से बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बेसिक ड्रोन पार्ट्स को यूज किया है और इन सभी पार्ट्स का अप्रॉक्स प्राइस 15 to 18K के आसपास है, मतलब 15 से 18 हज़ार के आसपास, और सारा पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको पार्ट्स बाई करना है या फिर आपको अपने किसी भी ड्रोन को बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, या फिर आप अपने ड्रोन को प्रोग्राम और सेटअप करवाना चाहते हो, या फिर आपको किसी ड्रोन के रिलेटेड पर्टिकुलर एक वर्कशॉप चाहिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आप हमारी टीम हाईटेक XYZ कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो एंड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर रिलीज करने का मेन रीजन ये था कि मुझे पता चला कि आप लोगों को मुझसे कॉन्टेक्ट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। सो सभी से मैं खुद बात कर सकूं ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक पूरी टीम बैठा के रखी है जो आप लोगों के प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देगा। फर्स्ट हम जानते हैं कि हम इस ड्रोन को बनाने में किन पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। ये है F450 क्वाडकॉप्टर फ्रेम और ये 4 आर्म है फ्रेम का। ये है बॉटम प्लेट, ये है टॉप प्लेट और इन तीनों को मिलके बनता है हमारा फ्रेम। मोटर में हम 4 पीस A2212 1000 kV का BLDC मोटर यूज़ कर रहे हैं। मोटर्स के साथ में ही ये कपलर्स आता है और इस कपलर की मदद से हम प्रोपेलर को मोटर में फिक्स करते हैं। ये है 2 पेयर 1045 प्रोपेलर और एक पेयर में एक क्लॉकवाइज और दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर्स होता है। 4 मोटर को रन करने के लिए हम यहाँ 30 एम्पेयर का सीमोंक ESC यूज़ कर रहे हैं। पूरे ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए हम KK2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ हमें कुछ केबल्स और एक बजर मिलता है। पूरे ड्रोन को वायरलेस कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फ्लाई स्काई FSI 6 रेडियो ट्रांसमीटर का और ये है इस रेडियो ट्रांसमीटर का रिसीवर। बैटरी में हम 2200 mAh का 3-सेल लाइपो बैटरी यूज़ कर रहे हैं। बैटरी को फ्रेम में इंस्टॉल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बैटरी स्ट्रैप। बैटरी के पावर को ड्रोन में कनेक्ट करने के लिए हम XT60 कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं IMAX B6 AC चार्जर। पूरे ड्रोन को असेंबल करने में हमें कुछ टूल्स का भी ज़रूरत होगा। सो टूल्स में हमारे पास 60W का सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग पेस्ट, जिप टाई, डुअल साइडेड टेप और सीजर। दोस्तों, ये टी शर्ट आया हुआ है अनअकैडमी की तरफ से और जल्द ही मेरा वीडियो आने वाला है अनअकैडमी के चैनल में जिसका नेम है इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी। उस चैनल में आप लोगों को इंजीनियरिंग जॉब्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। सो चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। फ्रेम को असेंबल करने के लिए हमें चारों आर्म को पलट कर रख लेना है एक्स शेप में। यह है फ्रेम का बॉटम प्लेट और हम इसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी कहते हैं। यहाँ पे 4 ESC को सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग पैड्स दिया गया है और हर एक पैड में पॉजिटिव और नेगेटिव का सैंबल दिया गया है। साथ ही पावर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पावर के लिए भी पैड दिया गया है जिसमें हम XT60 कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं। ये जो पैड वाला एरिया है इसे हमें नीचे की तरफ रखना है इस तरीके से पलट करके और इन सबको हम M2 स्क्रू से फिक्स करेंगे और M2 स्क्रू इस फ्रेम के साथ में ही आता है एंड इसके साथ में हमें यूज़ करना होगा एक Allen की जिससे हम स्क्रू को यहाँ पर फिक्स करेंगे। अब हमें इस फ्रेम को सीधा पलट कर रख लेना है। सो, अभी आप देखो ये जो ब्लैक वाला आर्म है ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और ये जो रेड वाला आर्म है ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो रेड वाला आर्म पीछे हमने इसलिए रखा है क्योंकि ड्रोन दूर जाने के बाद भी जो रेड कलर है वो हमें आसानी से दिख पाएगा और हमें पता लगेगा कि हमारा ड्रोन जो है वो किस डायरेक्शन में है।
सो अभी हमें क्या करना है कि इन सोल्डरिंग पैड्स में ESC को सोल्डरिंग करना है। ये है एक 30 एम्पेयर का ESC और ESC में ये है मेन वायर, एक है रेड और एक है ब्लैक। रेड वाला हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के प्लस वाले में सोल्डरिंग होगा और ब्लैक वाला पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के माइनस वाले में सोल्डरिंग होगा। यहाँ पे अगर देखो नीचे की तरफ तो ये है 3-फेज वायर जो कि हमारे मोटर के 3-फेज के साथ में कनेक्ट होगा, और इस वाले लीड में 3 कलर का वायर है, एक है येलो, दूसरा रेड है और तीसरा ब्राउन है। सो येलो वाला जो है सिग्नल का है, रेड वाला पॉजिटिव है और ब्राउन वाला नेगेटिव है। ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट होगा। सो सबसे पहले हम इस मेन वायर को अपने PDB में सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सोल्डरिंग वायर का, एंड इस वायर को हमें फिल करना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के सोल्डरिंग पैड में। सोल्डरिंग पैड में हम इसलिए पहले फिल कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग मोटे वायर का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। सो अगर अच्छे से यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं होता है तो हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक कर सकता है फ्लाई के टाइम पे, तो इससे हमारा जो ड्रोन है वो क्रैश हो सकता है। सो सबसे पहले हम सारे पैड में अच्छे से सोल्डरिंग वायर को फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपके हाथ में सोल्डरिंग आयरन नहीं लगना चाहिए वरना आपका हाथ जल सकता है। सो सेफ्टी के साथ में करना है आपको अच्छे से। यहाँ पे हमने सोल्डरिंग पैड में सोल्डरिंग वायर लगा लिया है। अब हमें सेम इसी तरह से हमारा जो ESC है, इन ESC के मेन वायर में भी सोल्डरिंग वायर को फिल करना है। फिल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सोल्डरिंग वायर को कुछ इस तरीके से रख लें, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, एंड वायर को आपको पकड़ना है अच्छे से और थोड़ी दूरी में पकड़ना है, और इसके बाद फिर हमें इस तरीके से फिल कर लेना है। सो सेम ऐसे ही हमें सारे ESC के मेन वायर में सोल्डरिंग वायर को फिल करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे चारों ESC में सोल्डरिंग वायर को फिल कर लिया है, एंड अब हमें इन सभी ESC को अपने ड्रोन में सोल्डरिंग करना है। यहाँ पर हम एक और टूल का यूज़ कर रहे हैं और इसे कहते हैं चिमटी। सो सबसे पहले हमें ESC को लेना है। ESC हमारे फ्रेम के नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए क्योंकि जब प्रोपेलर रोटेट होता है तो हवा नीचे की तरफ बनाएगा और वो जो हवा होगा वो इस ESC को ठंडा करते रहेगा। तो ये जो दोनों वायर है इसे हमें फ्रेम के यहाँ पे आर्म के बीच से अंदर ले आना है, एंड क्योंकि ये जो हमारा ESC है ये फ्रेम के इस आर्म के नीचे में फिक्स होगा, तो ESC का जो वायर है मेन वायर वो अंदर के साइड से आएगा, एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है इस चिमटी का। सो ब्लैक वाला जो वायर है उसे हमें नेगेटिव वाले पैड में सोल्डरिंग कर लेना है, पूरे अच्छे से हीट करके सोल्डरिंग करना है। सेम ऐसे ही रेड वाले वायर को पॉजिटिव वाले पैड के साथ सोल्डरिंग कर लेना है। यहाँ पे अगर आपको सोल्डरिंग करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक और बंदे का हेल्प ले सकते हैं जो आपके घर में हो, तो इससे आपको सोल्डरिंग करने में आसानी होगा। हम लोगों ने चारों ESC का सोल्डरिंग कर लिया है, एंड अब आप देख सकते हो इन दो पैड को, ये जो दोनों पैड है इस पैड में हम इस XT60 कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमें इसमें भी थोड़ा सोल्डरिंग वायर को लगा लेना है। इस पैड में भी हम भर लेंगे जैसे हमने ESC को सोल्डरिंग करने टाइम सारे पैड में फिल किया था। सो अब हमें यहाँ पर भी ध्यान देना है, इस ब्लैक वाले वायर को नेगेटिव के साथ और रेड वाले वायर को पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग करना है। सो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दिया है। अब मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा कनेक्टर है इस कनेक्टर में हमारा बैटरी कनेक्ट होगा, एंड इस कनेक्टर में जब बैटरी कनेक्ट होगा तो पावर सप्लाई हमारा PDB में आएगा। सो यहाँ पे जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो चारों ESC में हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमें यूज़ करना है जिप टाई का, एंड इस जिप टाई से हम इस ESC को इस आर्म में फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे ही हम
ईएससी को जिप टाई से फिक्स करने के बाद हमें जिप टाई को कट कर लेना है। अब हमें सभी ईएससी के इस लीड को यहाँ अंदर डाल करके बीच में ले आना है। तो बीच में जब हमारा ये वायर्स रहेगा तो हमें कनेक्शन में आसानी होगा। अभी हमने चारों ईएससी के लीड को बीच में कर लिया है एंड अब हमें इस फ्रेम के टॉप प्लेट को लेना है और इस टॉप प्लेट से हमें लीड को यहाँ से ऊपर निकाल लेना है। ये जो है लीड वो आपके राइट हैंड साइड की तरफ से निकलेगा। ये जो कटिंग है वो राइट हैंड साइड की तरफ है एंड ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सो राइट हैंड साइड की तरफ से हम निकाल लेंगे एंड इस टॉप प्लेट को हम M2 स्क्रू से फिक्स कर लेंगे। अब टाइम है इस फ्रेम में मोटर को इंस्टॉल करने का। अभी आप आर्म में मोटर माउंट को देखोगे तो यहाँ पर चार होल है और इन चार होल में दो होल पास पास है और दो होल थोड़ा दूर दूर है। सेम ऐसे ही हमारा जो मोटर है उस मोटर में भी दो यहाँ पे जो स्क्रू का थ्रेड है वो पास पास है और दो स्क्रू का थ्रेड थोड़ा दूर दूर है। सो पास पास वाले को पास पास के साथ में ऐसे करके लगा देना है एंड इस मोटर को हम इसके साथ अटैच करने के लिए यूज़ करेंगे M3 स्क्रूज़ का एंड ये M3 स्क्रूज़ 10mm का है। सो 10mm हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जब स्क्रू नीचे से मोटर में आए तो मोटर का जो यहाँ पे कॉयल है अंदर में उस कॉयल से टच ना करे। अगर कॉयल से टच होता है तो हमारा कॉयल कट सकता है और मोटर ख़राब हो सकता है। सो यहाँ पे 10mm के ही M3 स्क्रूज़ को आप यूज़ करो। तो आइए हम चारों मोटर को फिक्स करते हैं। मोटर को हमने इंस्टॉल कर लिया है एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे मोटर का तीन वायर्स है और तीनों ही फेज़ वायर है। सो अभी हम इन तीनों फेज़ वायर को आर्म से नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम वन बाय वन तीनों वायर्स को नीचे ले जाएंगे। नीचे हमने इसलिए लाया है क्योंकि हमारा जो ESC का थ्री फेज़ वायर है वो नीचे की तरफ है। सो अभी हम मोटर के थ्री फेज़ वायर को ESC के थ्री फेज़ वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी फेज़ वायर को किसी भी फेज़ वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मोटर का तीन कलर को देख करके कंफ्यूज़ नहीं होना है। कोई सा भी किसी के साथ भी कनेक्ट कर देना है। सो सिंपली हमने इन थ्री फेज़ वायर के साथ इन थ्री फेज़ वायर को कनेक्ट कर लिया है। सेम ऐसे ही हम सभी मोटर को ESC के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब हमें ड्रोन में फ्लाइट कंट्रोलर को इंस्टॉल करना है एंड ये है KK फ्लाइट कंट्रोलर। इस फ्लाइट कंट्रोलर में सेटअप करने के लिए चार स्विचेज है। यहाँ पे एक स्क्रीन है डिस्प्ले जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं एंड यहाँ पे एक छोटा सा एरो का निशान है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। डेट मीन्स ये एरो आगे की तरफ बना हुआ है, मतलब ये जो है फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। एंड यहाँ पे ESC का कनेक्शन के लिए पिन्स है एंड यहाँ पे हमारे रिसीवर का कनेक्शन के लिए पिन है।
सो केके फ्लाइट कंट्रोलर को हम अपने ड्रोन के सेंटर में इंस्टॉल करेंगे। और इसे इंस्टॉल करने टाइम हमें ध्यान देना है कि जो हमारा फ्रेम है उस फ्रेम का फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये एरो रहे। इसे हम फिक्स करने के लिए यहाँ पर डुअल साइडेड टेप का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसे फिक्स करने टाइम कि आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है ये फ्लाइट कंट्रोलर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हो। दोस्तों फ्लाइट कंट्रोलर के राइट हैंड साइड में जो पिन्स आप देख रहे हो ये है हमारा मोटर आउटपुट। ये जो पहला नंबर वाला है ये है मोटर 1, सेकेंड वाला मोटर 2, थर्ड वाला मोटर 3, फोर्थ वाला मोटर 4, फिफ्थ वाला मोटर 5, मोटर 6, मोटर 7 एंड मोटर 8। मैक्सिमम हम 8 मोटर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्वाडकॉप्टर ड्रोन बना रहे हैं। M1, M2, M3 और M4 के साथ हमारा मोटर 1, 2, 3, 4 कनेक्ट होगा। पहला जो है वो येलो कलर का वायर है, ये सिग्नल वायर है। दूसरा रेड कलर का है, ये 5 वोल्ट पॉजिटिव है। एंड तीसरा ब्राउन है, ये नेगेटिव है। सो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो हर मोटर्स के लिए पिन दिया गया है उसमें भी 3 पिन है। एक मोटर के लिए इस अंदर वाले साइड का जो सारा पिन है ये आपका सिग्नल पिन है, बीच वाला पॉजिटिव 5 वोल्ट एंड साइड वाला जो है आउटर साइड का वो आपका नेगेटिव है। सो यहाँ पे हम M1 वाले ESC के लीड को M1 के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखो येलो वाला जो है वो अंदर के साइड है और नेगेटिव जो है वो बाहर के साइड है, बीच में हमारा पॉजिटिव है। सेम इसी तरीके से मोटर 2 का जो ESC का लीड है इस ESC के लीड को हम M2 के साथ में कनेक्ट करेंगे। मोटर 3 का जो लीड है ESC का उस लीड को हम M3 के साथ कनेक्ट करेंगे और मोटर 4 का जो ESC का लीड है उस लीड को हम M4 के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर में रिसीवर को कनेक्ट करना है और रिसीवर हमारा इस पिन के साथ में कनेक्ट होगा, ये हमारा इनपुट पिन है। सो यहाँ पे रिसीवर को कनेक्ट करने से पहले हम रिसीवर को अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिसीवर 6 चैनल का है एंड ये 2.4 GHz पे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो CH1, सो ये चैनल 1 है और चैनल 1 का पिन यहाँ पर दिया गया है। सेम ऐसे ही चैनल 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे टोटल 6 हमारा चैनल्स है। एंड ऊपर का जो 3 पिन है ये हमारा बैट है, बैट मीन्स बैटरी। एंड यहाँ पे हम अलग से बैटरी का पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं 4.5 से 6.5 वोल्ट तक। एंड इसी से हमारा बाइंडिंग होता है, डैट मीन्स रिसीवर को हम ट्रांसमीटर के साथ इस पिन के थ्रू एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं। चैनल 1 जो होता है ये एलरॉन होता है, चैनल 2 एलिवेटर, चैनल 3 जो होता है वो थ्रॉटल होता है और चैनल 4 रडर। चैनल 5 और 6 हमारा ऑक्सिलरी है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने ड्रोन में तो उसका कनेक्शन चैनल 5 और चैनल 6 के साथ होगा। पर हमें हर एक चैनल के लिए 3 पिन देखने को मिलता है। 3 पिन में जो अंदर का पिन है ये अंदर वाला पिन हमारा सिग्नल पिन है और बीच का पिन हमारा 5 वोल्ट पॉजिटिव पिन है एंड साइड वाला जो हमारा पिन है वो नेगेटिव पिन है। हम जब भी एक न्यू रेडियो ट्रांसमीटर को परचेज़ करते हैं तो उस समय रिसीवर हमारे ट्रांसमीटर के साथ बाइंड नहीं होता है। सो हमें एक बार अपने ट्रांसमीटर के साथ में रिसीवर को बाइंड करना पड़ता है और बाइंडिंग का एक अलग प्रोसेस है जिसे हम आगे देखेंगे। सेम रिसीवर के तरह ही यहाँ पर हमें एलरॉन, एलिवेटर, थ्रॉटल एंड रडर का पिन देखने को मिलता है एंड नीचे का पिन हमारा ऑक्सिलरी पिन है। सो यहाँ पे भी हर एक चैनल को कनेक्ट करने के लिए 3-3 पिन दिया गया है। इस वाले में ये अंदर का साइड का जो पिन है वो सिग्नल पिन है, बीच का पॉजिटिव 5 वोल्ट एंड बाहर का जो साइड वाला पिन है ये नेगेटिव है। रिसीवर का चैनल नंबर 1 सबसे ऊपर कनेक्ट होता है, चैनल नंबर 2 उसके नीचे, ऐसे ही सीरियल वाइज चैनल नंबर 3 और चैनल नंबर 4 भी कनेक्ट होता है। जब भी हम फ्लाइट कंट्रोलर को रिसीवर के साथ में कनेक्ट करें तो हमारा हमेशा सिग्नल का पिन सिग्नल वाले पिन के साथ ही कनेक्ट होगा। इस रिसीवर को हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं। सो रिसीवर को फिक्स करने के लिए भी हम डुअल टेप का यूज़ करेंगे एंड डुअल टेप हम पीछे की तरफ लगाने वाले हैं। यहाँ पे आपको रिसीवर को फिक्स करने टाइम ध्यान देना है कि आपका जो रिसीवर का एंटीना है इस एंटीना को पीछे की तरफ रखना है
और हमारा रेड वाला आर्म जो था वो पीछे था, सो इसको हमें इस तरीके से चिपकाना है। एंटीना है, इसे हम जिप टाई लगा लेते हैं। रिसीवर को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करने के लिए कुछ केबल्स मिलता है, सो ये केबल है। एंड ये केबल अगर आप देखो तो यहाँ पे दो तरह का अलग अलग केबल है। पहला जो केबल है वो 3 पिन से 3 पिन में है, सो यहाँ पे जो वाइट वाला है वायर ये हमारा सिग्नल का है, बीच वाला पॉजिटिव है एंड ब्लैक वाला नेगेटिव है। सो यहाँ पे हम इसको चैनल नंबर 1 के साथ में कनेक्ट करेंगे और वाइट वाला जो है वो सिग्नल के साथ कनेक्ट होगा। एंड इसी चीज़ को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे चैनल नंबर 1 के साथ में, एंड वाइट वाला हमारा अंदर के साइड रहेगा क्योंकि अंदर के साइड हमारा सिग्नल था। सो ये हमारा चैनल 1 का हो गया। सेम ऐसे ही ये हमारा, अब क्या है कि एक चैनल को हमने अगर कनेक्ट कर दिया है 3 वायर टू 3 वायर से, सो सेकंड वाले में क्या है कि सिर्फ हम रिसीवर का सिग्नल वायर को कनेक्ट करेंगे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में, हमें यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट और नेगेटिव का कनेक्शन नहीं करना है। सो यहाँ पे अंदर वाला साइड सिग्नल था तो यहाँ पे हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब जो है ये हमारा चैनल नंबर 2 है, फिर ये रेड वाला चैनल नंबर 3 और ब्लैक वाला चैनल नंबर 4 है। तो ये चैनल नंबर हमारा 2 था तो 2 के साथ में कनेक्ट करेंगे इसे। ये हमारा चैनल नंबर 3 था रेड वाला, चैनल नंबर 3 के साथ यहाँ, और ये हमारा चैनल नंबर 4 था 4 के साथ। सो अभी अगर आप इस केबल को देखो तो यहाँ पे वाइट रेड और ब्लैक हुआ है, तो ये तीनों जो है वो सिग्नल का है। एंड यहाँ पर भी ये तीनों सिग्नल है, यहाँ पे जो 5 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव था यहाँ पे वायर ही नहीं है। सो इन सिर्फ 2 केबल से ही हमारा फ्लाइट कंट्रोलर का कनेक्शन रिसीवर के साथ में हो गया है। अगर अभी भी आपको कनेक्शन को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत है तो कनेक्शन का डायग्राम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो आप वहां से भी कनेक्शन को समझ सकते हो। और जब आप ड्रोन बनाओ तो उस डायग्राम को देख करके आप इजिली कनेक्शन कर सकते हो। इस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में हमें एक छोटा सा बजर भी मिलता है, एंड इस बजर में 2 वायर्स है, एक है रेड कलर का और एक है ब्लैक कलर का। रेड वाला पॉजिटिव है, ब्लैक वाला नेगेटिव है, और ये कनेक्ट होता है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है, इस फ्लाइट कंट्रोलर में यहाँ पे है हमारा बजर का पिन, और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बजर। एंड बजर के इन 2 पिन में ये वाला जो पिन है राइट हैंड साइड वाला, ये हमारा पॉजिटिव पिन है और लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा नेगेटिव पिन है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने बजर को कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमें सिंपली कनेक्ट कर लेना है। बजर को हम जिप टाई की मदद से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए हमें बैटरी स्ट्रैप को यहाँ पर लगाना है, सो यहाँ पे हम इस कट में डाल लेंगे बैटरी स्ट्रैप को, एंड दूसरे एंड से हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे जो है हमें बैटरी स्ट्रैप को एकदम बिल्कुल लास्ट तक कर देना है ऐसे। एंड अब हम इसके अंदर लगाएंगे अपना लाइपो बैटरी। ये हमारा लाइपो बैटरी लग गया, एंड ये जो हमारा बैटरी प्लग है ये हम डायरेक्टली अपने पीडीबी के साथ ऊपर की तरफ से प्लग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोपेलर टच कर सकता है, सो हम इसे नीचे की तरफ से प्लग करेंगे जब हमें ड्रोन फ्लाई करना होगा। सो इस तरीके से इस वीडियो में हमने इस क्वाडकॉप्टर ड्रोन को असेंबल किया। सिर्फ हमें इसके मोटर में प्रोपेलर्स को इंस्टॉल करना बाकी है, लेकिन अभी हम इस प्रोपेलर को इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि हमने फ्लाइट कंट्रोलर और रेडियो ट्रांसमीटर का सेटअप नहीं किया है। हम सब कुछ जानेंगे, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ पाए। इस ड्रोन का आगे का सब कुछ हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, और पार्ट 2 अपलोड होने वाला है इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी के चैनल पे इसी सैटरडे 27 अगस्त को। सो चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ और जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपसे मेरा वीडियो मिस ना हो सके। फिर मिलते किसी न्यू वीडियो में, लेकिन नाम याद रखना इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी। गुड बाय।